रागिनी की सास तमकते हुए उसके पास आई। उस समय रागिनी सब्जी बनाने के लिए कटहल छील रही थी। उसकी सास उसे गुस्से में घूरते हुए कहने लगी, बहू तुम जिंदगी भर बस खाना ही पकाती रहना, और कोई काम तुमसे होगा या नहीं होगा। रागिनी असमंजस भरी नज़रों से अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, मम्मी जी कोई काम बाकी रह गया है क्या? आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? उसकी सास गुस्से में उबलते हुए बोली, अरे अभी अभी मेरी सहेली वंदना का फ़ोन आया था। उसकी बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, पता नहीं तुम मुझे पोते का मुंह कब दिखाओगी। यह सुनते ही रागिनी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों में आंसू डबडबाने लगे। जब रागिनी शादी के साल भर के बाद पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो बहुत खुश थी। घर में भी सभी लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे करके समय आगे सरकता चला गया। रागिनी को 7वां महीना पूरा हो चुका था, तभी एक रात उसके पेट में दर्द होने लगा। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर ने तुरंत ही डिलीवरी करवाने के लिए कह दिया। ऑपरेशन के द्वारा रागिनी ने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो डॉक्टर ने उसे ICU में रखा हुआ था। सब लोग बस रागिनी के बच्चे के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन 2 दिनों के बाद सबकी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि रागिनी का बेटा सबको रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। रागिनी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह साल भर तक डिप्रेशन में रही थी, फिर धीरे धीरे पति के प्यार के सहारे वह उस डिप्रेशन से बाहर निकल कर आ पाई थी। इस बीच उसकी सास ने घर में मातम का माहौल बनाकर रख दिया था। वह बात बात में रागिनी को कोसने लगती थी कि जरूर तुमने ही कोई लापरवाही की होगी, इसीलिए हमारे कुल का चिराग रोशन होने से पहले ही बुझ गया। रागिनी को यह बात बहुत दुखी कर जाती थी कि उसकी सास एक औरत होते हुए भी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। खैर धीरे धीरे वह सामान्य हुई। कुछ महीनों के बाद जब वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उसकी सास फिर से शुरू हो गई कि इस बार तुम अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना, मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। रागिनी हैरान रह गई कि उसकी सास को कैसे पता कि इस बार भी उसे बेटा ही होगा। खैर धीरे धीरे समय बीता, इस बार रागिनी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसकी सास जरा भी खुश नहीं हुई क्योंकि उन्हें तो पोता चाहिए था। मगर रागिनी और उसके पति बहुत खुश थे कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी और रागिनी भी सही सलामत थी। अब रागिनी अपने दुखों को भुलाकर अपनी बेटी के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सास के ताने हमेशा उसे छलनी किए जाते थे। जब उसकी बेटी 4 वर्ष की हुई तब वह दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। इस बार उसकी सास ने फिर से रट लगा दिया कि उन्हें पोता ही चाहिए, लेकिन फिर से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि रागिनी ने दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया। इस बार डॉक्टर ने रागिनी को कह दिया था कि अगर वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। रागिनी ने भी सोच लिया था कि 2 बेटियों के साथ उसका परिवार पूरा हो गया है तो उसे और बच्चों के बारे में सोचना भी नहीं था, लेकिन उसकी सास साल भर के बाद ही उसके पीछे पड़ गई थी कि अब जल्दी ही वह उन्हें एक पोता दे दे। रागिनी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि अगर मैं और बच्चों के बारे में सोचूंगी तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए अब मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी 2 बेटियाँ ही काफ़ी है। लेकिन उसकी सास जब भी किसी के घर बेटा होने की खबर सुनती थी तो अपनी बहू को कुछ ना कुछ सुना ही देती थी और रागिनी दुखी हो जाती थी। उसकी सास बार बार उसे कोसती रहती थी। अब तो उसकी छोटी बेटी भी 5 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सास एक दिन उसे समझाते हुए बोली, देखो बहू बेटा होना बहुत ज़रूरी होता है। अरे तुम देखती नहीं हो कि किसी के गुजरने के बाद बेटा मुखाग्नि देता है? अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो तुम्हें मुखाग्नि कौन देगा? इसलिए मैं तो कह रही हूँ कि एक बार और कोशिश करके देख लो, क्या पता हो सकता है कि बेटा ही हो जाए, और अगर बेटी हो गई तो मैं तुम्हें दोबारा से बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मेरी खातिर क्या तुम एक बार और कोशिश नहीं कर सकती? रागिनी को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जान को खतरा है, फिर भी सास के दबाव डालने पर वो एक बार फिर से डॉक्टर के पास गई और उसने दोबारा से अपनी सभी जांच करवाई। डॉक्टर ने इस बार भी उसे यही कहा कि अगर वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उसके लिए सही नहीं होगा। रागिनी सारी रिपोर्ट्स लेकर अपनी सास के पास पहुंची और उन्हें रिपोर्ट थमाते हुए बोली, मम्मी जी मैं फिर से प्रेग्नेंट होने का रिस्क नहीं ले सकती। यह देखिए डॉक्टर ने खुद जाँच करके बताया है कि इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, तुझे केवल अपनी जान की ही पड़ी है? अरे मेरे खानदान का क्या होगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? जिस दिन तू मर जाएगी तुझे मुखाग्नि कौन देगा? अभी वह अपनी बहू को डांट ही रही थी कि तभी उनका बेटा आरव वहां पर पहुंच गया और कहने लगा, माँ मुखाग्नि की चिंता में मैं अपनी पत्नी को मौत के मुँह में नहीं धकेल सकता। कल को हमें मुखाग्नि कौन देगा, इसकी चिंता हम आज क्यों करें? उसके चक्कर में यदि आज रागिनी को कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा? और आपको धीरज याद है ना, बुआ जी का बेटा? बुआ जी की 2 बेटियां पहले से ही थी। डॉक्टर ने उन्हें भी फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए मना किया था, लेकिन अपनी सास के दबाव में बुआ फिर से प्रेग्नेंट हुई। उस बार उन्हें बेटा हुआ। सब लोग बड़े खुश हुए कि घर का चिराग आया है, अब वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ यह आपको भी अच्छे से पता है।
बुआ जी डिलीवरी के 15 दिनों के अंदर ही स्वर्ग सिधार गई। उनका नन्हा सा बच्चा भूख से तड़प तड़प कर रोता था तो कितना दुख होता था। उसकी दोनों बहनें भी कितनी छोटी थी, उन सब की देखभाल की जिम्मेदारी उनकी दादी पर आ गई थी। उन्हें कुल का चिराग चाहिए था लेकिन उस चिराग को पालने वाली ही चली गई थी। तब सब लोग मिलकर फूफा जी की दूसरी शादी करवाने के चक्कर में पड़ गए। फूफा जी अपनी पत्नी के जाने के गम से उबर भी नहीं पाए थे। वह घर वालों पर नाराज हो उठे कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक बेटे के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। परिवार के दबाव में आकर मैंने जो गलत फैसला लिया उसका भुगतान मुझे अपनी पत्नी को खोकर चुकाना पड़ा। वो काफ़ी तनाव में आ गए थे और डिप्रेशन में जाने के कारण उनकी मानसिक दशा ही बिगड़ गई। अब उनके बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो गए थे और एक एक करके उनके सभी बच्चे देखभाल के अभाव में बीमार पड़ते गए और इस दुनिया से चले गए। बुआ जी की सास अपने ही आंखों के सामने इतने लोगों की दुर्गति होते देखकर बदहवास सी हो गई थी। अब वह दिन रात आंसू बहाती थी और अपने मौत की प्रार्थना करती थी लेकिन उन्हें मौत भी नहीं आती थी। शायद यूं ही तड़प तड़प कर जीना ही उनकी किस्मत में लिखा था और यही उनकी सजा भी थी। एक पोते की चाहत ने उनके पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद आपने उस घटना से क्या सीखा? आज क्या आप वही सब मेरी पत्नी के साथ करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? अरे डॉक्टर ने इसे साफ साफ कहा है कि यह दोबारा माँ बनेगी तो इसकी जान को खतरा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर बच्चा पैदा करना क्या जरूरी है? और क्या गारंटी है कि इस बार इसे बेटा ही होगा? अगर फिर से बेटी हो गई तो आप क्या करोगी? तब आप कहती हो कि उसके बाद आप बच्चों के लिए दबाव नहीं डालोगी तो फिर आप मेरी दो बेटियों के साथ ही संतुष्ट क्यों नहीं रह सकती? मैं देखता हूँ कि आप ना तो मेरी बच्चियों को प्यार करती हैं ना ही उनके साथ अच्छे से बात करती हैं। ऐसे में क्या गारंटी है कि आप मेरी तीसरी बेटी हो जाने पर उससे अच्छे से बात करेंगी? आपको अगर समझना होता तो इतने में ही समझ गई होती। अरे बेटा हो या बेटी हो, है तो मेरा ही अंश ना, फिर भी आपको इनसे प्यार नहीं है। यह कैसा प्यार है जो बेटा या बेटी देखकर प्यार दे? मैं आज ये बात साफ साफ कह देता हूँ कि अब मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए। इसलिए आगे से इस बारे में इस घर में कोई चर्चा नहीं होगी और अगर आपने ज़्यादा जिद की तो मैं अपनी पत्नी और बेटियों के साथ यह घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए चला जाऊँगा क्योंकि मुझे अपने जीवन में सुकून चाहिए और अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मुझे आपकी सेवा करने के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना है, खुद की सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी पत्नी के सेहत के बारे में भी सोचना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बच्चों के लिए मेरी पत्नी पर दबाव बनाएंगी तो मजबूरन मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया तो रागिनी की सास एकदम से खामोश हो गई क्योंकि बेटे की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने रागिनी से आपने बेटे से तो कुछ नहीं कहा लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने रागिनी को और बच्चे पैदा करने के लिए दबाव डालना बंद कर दिया था और धीरे धीरे वो अपनी पोतियों के साथ मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। जो मिला था उसे ही अपना भाग्य समझ कर उन्होंने संतुष्ट रहना सीख लिया था। दोस्तों किसी की जान से बढ़कर कोई बच्चा थोड़ी ना हो सकता है लेकिन बेटे की चाह में कई बार बहुत सी औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन ऐसे में यह सोचना चाहिए कि यदि परिवार की नींव ही कमजोर होगी तो परिवार तो टूटकर बिखरेगा ही। इसलिए कभी भी किसी भी औरत पर बच्चों के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। यह उसका खुद का फैसला होना चाहिए जो कि शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से सोच समझकर ही लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।